बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की दबंग 3 2019 में रिलीज हुई थी। 2018 में रेस 3 नामक निराशा के बाद सलमान खुद को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। क्रिसमस के आसपास उन्होंने अपनी पुलिस फिल्म दबंग की तीसरी कस्त के साथ फिर से हड़ताल की। दोस्तों, फिल्म तो हमें आने के बाद दिखती ही है, लेकिन उस फिल्म बनाने के दौरान सेट पर ऐसी कौन सी दिलचस्प बातें होती है, ये तो सभी को जानना पसंद है। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स में तेज झलक के लिए लेकर आई हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, पहला फैक्ट ये है कि ये फिल्म सलमान के पैतृक शहर में शूट की गई थी। सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग इंदौर में शुरू की। संयोग से सलमान खान का परिवार इंदौर से है और ये वह शहर है जहाँ सुपरस्टार का जन्म भी हुआ था। यह इंदौर में शूट होने वाली उनकी पहली फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यही आत्मीयता सलमान खान के फिल्म में भी दिखी है। दोस्तों, दूसरी अनोखी बात ये थी इस फिल्म की कि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपने मुन्नी बदनाम या फेविकॉल जैसे गानों की तो जमकर तारीफ की होगी, और इसी कारण इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये गीत बेहद लोकप्रिय थे। दबंग 3 आपको सराहना या आलोचनात्मक होने का मौका नहीं देती है, क्योंकि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं था, और शायद इसी वजह से कंपैरेटिवली पहले दो फिल्मों से इसे लोगों से कम प्रशंसा मिली। दोस्तों, भाईजान इतने बड़े हैं कि उनकी आधी फैमिली इस इंडस्ट्री में है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, और इसी कारण दबंग 3 में सलमान खान की भतीजी अलिजेहा अग्निहोत्री की शुरुआत हुई। अलिजेहा निर्देशक अतुल अग्निहोत्री और अलिवेरा अग्निहोत्री की बेटी है। अलिजेहा की लॉन्च करने के लिए ये एक अच्छा मंच था। दोस्तों, भाईजान को उनके अनोखे अंदाज से जाना जाता ही है, लेकिन उसी के साथ उनको ग्रैंड चीजें करने के अंदाज से भी पहचाना जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में 500 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ गीत शूट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 500 बैकग्राउंड डांसर्स। वाकई क्या अद्भुत चीजें थी इस फिल्म में। दोस्तों, हमें लगता है कि भाईजान अपने फैंस को नाराज ना करते हुए दबंग 4 भी जल्द से जल्द ही ले आएंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि होना अभी तक बाकी है, लेकिन दोस्तों हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको दबंग 4 में किन सितारों को देखना है, और इसी के साथ अब तक के बने 3 पार्ट्स में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। दोस्तों, इसी के साथ ये थी कुछ दिलचस्प बातें दबंग इस फ्रेंचाइजी के बारे में। ऐसे ही और मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।